तो उसका कंपेयर करेंगे स्विफ्ट एलेक्स आई और बलेनोिकमा को दोनों ही गाड़ी के मैंने बेसिक मॉडल लिए कंपेरिजन करने के लिए कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर हो सकती है क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि स्विफ्ट ले या बलेो तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर पाऊँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट सबसे पहले स्विफ्ट की मैं एक् शोरूम प्राइस बता दूँ तो फाइव लैक नाइन्टी टू थाउजेंड की कॉस्ट करती है एक्स शोरूम और बलेनो सिकमा की अगर बात करेंगे तो ये कॉस्ट करती है सिक्स लैक फोर्टी टू थाउजेंड एक् शो तो लगभग लगभग को पचास हज़ार का डिफरेंस आएगा गाड़ियों में गाड़ी के प्राइसिंग में मतलब स्विफ्ट से पचास हज़ार महंगी पड़ेगी आपको बलेनो सिग्मा तो ये कुछ हो गया प्राइसिंग का डिफरेंस तो पचास हजार एक्स्ट्रा देके आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो अपन जान लेते हैं सबसे पहले डायमेंशनस की बात करेंगे स्विफ्ट की अगर लेंथ देखेंगे अपन तो थ्री एट फोर फाइव एम एम इसकी लेंथ है विथ की बात करें इसकी चौड़ाई की बात करें तो वन सेवन थ्री फाइव एम एम इसकी विथ्थ है और हाइट की बात करेंगे तो वन फाइव थ्री जीरो एम एम इसकी हाइट है वहीं अगर बलेनो देखेंगे तो इसके डायमेंशन कुछ ऐसे हैं इसकी लेंथ थ्री नाइन नाइन जीरो एम एम है ब्रेथ इसकी वन सेवन फोर फाइव एम एम ए और हाइट इसकी पंद्रह सौ एम एम है वन फाइव डबल जीरो तो ये कुछ उसके डायमेंशंस हो गए तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो बलेनो की जो लेंथ mm है वो स्विफ्ट से फिफ्टी फाइव एम एम ज़्यादा है विथ की बात करेंगे तो विथ्थ इसकी टेन एम mm एम ज़्यादा है और हाइट की बात करेंगे तो बलेनो की हाइट थर्टी एम एम कम है स्विफ्ट से मतलब स्विफ्ट थोड़ी ज़्यादा हाइटेड है तो ये कुछ डायमेंशनस हो गए गाड़ी के अब बात कर लेते हैं अपन टर्निंग रेडियस की तो फोर पॉइंट एट मीटर टर्निंग रेडियस स्विफ्ट लेकर पूरा इसको टर्न करने में और वहीं अगर बलेनो की बात करेंगे तो फोर पॉइंट एट फाइव मीटर इसका टर्निंग रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा है बलेनो का अब वेट की बात कर लेते हैं तो स्विफ्ट अगर एलेक्साई की बात करेंगे तो आठ सौ पचहत्तर एट सेवेंटी फाइव टू नाइन जीरो फाइव के जी इसका कर वेट है वहीं अगर बलेनो का वेट देखेंगे तो नाइन ट्वेंटी से लेकर नाइन फिफ्टी फाइव के जी इसका ओवरऑल वेट है तो ये मैं एकदम जो वेट है इसका विदाउट किसी भी पेट्रोल वेट्रोल की उससे ले रहा हूँ तो उस चीज़ को आप मैंशन कर लेना आप फ्यूल टैंक की बात कर लें तो दोनों ही गाड़ी के जो फ्यूल टैंक है वो थर्टी सेवन लीटर के तो लगभग लगभग सेम है लगभग क्या सब पूरा बिल्कुल सेम ही है थर्टी सेवन लीटर अब बात करते हैं अपन एक्सटीरियर की तो सबसे पहले स्विफ्ट को ले लेते हैं स्विफ्ट में अगर आप चेक करेंगे तो हेलोजन हेडलैम्प है फ्रंट से कोई फॉग लैम्प के लिए स्पेस नहीं है ना कोई फॉग लैम्प है बस आपको फ्रंट में हेड हेडलैम्प्स दिए हैं जो कि आपके येलो कलर के इसके बाद साइड से देखेंगे तो कोई व्हील कवर नहीं है गाड़ी में ओ आर और डोर हैंडल गाड़ी के ब्लैक कलर के हैं तो इस चीज़ को आप मैंशन करिएगा उसके बाद अगर पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे आपको इस गाड़ी में टेल लाइट मिलेंगी जो कि है एल ई टेल लाइट्स इसमें प्रोवाइड की जो कि आपको जेड प्लस टॉप एंड इसके वेरियंट में भी सेम यही एल टेल लैम्प प्रोवाइड किया हुआ है उसके बाद रियर पार्किंग सेंसर्स आपको मैंडेटरी हर गाड़ी में होगा इवन आपको ऑल्टो में तक रियर पार्किंग सेंसर मिलते हैं तो इसमें भी आपको रियर पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं वहीं अब अगर अपन बलेनो सिग्मा की बात करें तो बलेनो सिग्मा के जो हडलैम्प्स हैं यहाँ आप पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्स मिलेंगे जो कि एलुजन रहेंगे यहाँ पे आपको फॉकलैम्प के लिए स्पेस मिलेगी लेकिन फॉकलैम्पस नहीं मिलेंगे तो उस चीज़ को आप देख लीजिए उसके बाद आप साइड से देखेंगे तो साइड से आपको कोई व्हील कवर नहीं मिलेगा ओ और डोर हैंडल इसके ब्लैक कलर के हैं पीछे की टेल लाइट आपकी एल ई है और रियर पार्किंग सेंसर प्रोवाइड किए हुए हैं तो ये एक डिफरेंस आया था मतलब कि बलेनो में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्स प्रोवाइड किया हुआ है तो ये एक मेन डिफरेंस है इसके बाद बात करते हैं अपन टायर साइज़ की तो स्विफ्ट का अगर टायर साइज़ देखें तो 165 सिक्सटी फाइव बाई एटी आर फोर्टीन इंचिस के इसमें ट्यूबलेस रेडियल टायर है वहीं अगर बलेनो की बात करेंगे तो 185 एट्टी फाइव बाई सिक्सटी फाइव आर फिफ्टीन मतलब कि बलेनो का जो टायर साइज़ है बेसिक मॉडल से आपको 15 इंचिस मिलेगा वहीं अगर आप एलेक्सा की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको फोर्टीन इंचज़ प्रोवाइड करती है कंपनी अब बात करते हैं बूट स्पेस की तो बूट स्पेस स्विफ्ट का है टू सिक्सटी एट लीटर का वहीं बलेनो का अगर चेक करेंगे तो तीन सौ अठारह लीटर थ्री वन एट लीटर का बूट स्पेस है मतलब बलेनो में आपको बूट स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा तो ये एक और डिफरेंस हो जाता है इसके बाद अपन बात कर लेते हैं अब इंजन स्पेक्स की तो दोनों ही गाड़ी में आपको के सीरीज का ड्यूल जेट इंजन मिलेगा जो कि आपको प्रो, आ, पावर प्रोवाइड करेगा 88.50 एट पॉइंट टॉर्क की बात करें तो 113 हंड्रेड मीटर का टॉर्क दोनों गाड़ी में प्रोवाइड किया आप माइलेज की बात कर लेते हैं जो कि ए आर सर्टिफाइड है 23.2 स्विफ्ट एलेक्स का माइलेज और 22.35 किलोमीटर पर लीटर बलेनो सिग्मा का माइलेज तो ये कुछ होगा इसके माइलेज फिगर्स और जितना मैं माइलेज आपको बता रहा हूँ ए आर सर्टिफाइड जो होता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ इसके बाद गाड़ी की एन कैप रेटिंग बताऊँ तो स्विफ्ट अलेक्सा की जो एन कैप रेटिंग है वो है टू स्टार मतलब इतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं है गाड़ी और मारुति तो आप लोग जानते हो कि मतलब भाई सेफ्टी को लेकर थोड़ा सा उस चीज़ में है कमज़ोर वहीं अगर अपन बलेनो की बात करें तो भाई इसमें एक रूमर है या फिर कह लो कि इस गाड़ी को फाइव स्टार रेटिंग दी है कैसे दिए क्या दिए यार वो उसका आइडिया तो इतना क्लियर नहीं है लेकिन अगर आपको इस चीज़ का आइडिया हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आपके लिए खुला हुआ है वहाँ पे अपने थाट्स शेयर कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं सेफ्टी फ़ीचर्स की देखो दोनों गाड़ियाँ बेसिक मॉडल तो में सेफ्टी फ़ीचर्स क्या मिलेंगे वो अपन देख लेते हैं सबसे पहले स्विफ्ट अलेक्सा ही तो स्विफ्ट में आपको टू एयरबैग्स इंजन इमोबिलाइजर क्रैश सेंसर ई बी डी आइसोफिक्स तो ये कुछ बेसिक जो है आपको चीज़ें मिल जाएंगी मतलब गाड़ी में आपको दो एयरबैग मैंडेटरी हो ही गए हैं तो इसमें दो एयरबैग दिए हुए हैं वहीं स्विफ्ट की अपनी बलेनो की बात करेंगे तो बलेनो में आपको दो एयरबैग ए बी एस ई बी डी एंटी पिंच पावर विंडो और आइसोफिक्स तो ये कुछ चीज़ें इसमें भी आ जाती हैं मतलब इस गाड़ी में आपको एंटी पिंच का फंक्शन मिल जाएगा क्योंकि इसके चारों विंडोज़ पावर विंडोज़ हैं तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा अब कंफर्ट के और इंटीरियर फीचर्स की बात कर लेते हैं तो भाई देखो स्विफ्ट एलेक्स आई एकदम बेसिक गाड़ी है इसमें आपको कोई म्यूज़िक सिस्टम नहीं है कोई स्पीकर नहीं है और इवन अगर आप इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो उसमें आपको सिर्फ स्पीड दी हुई है आर वगैरह भी कुछ नहीं दिया हुआ है छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले दी हुई है जिसमें आपको ये फ्यूल आ, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन वो दी हुई है कुछ भी नहीं है इवन गाड़ी की जो चारों विंडोज़ हैं वो आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा मतलब हाथ से उतारना हाथ से चढ़ाना तो वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी वहीं अगर बलेनो सिग्मा की बात करेंगे तो इस गाड़ी में भी आपको कोई म्यूज़िक सिस्टम और स्पीकर वगैरह नहीं दिया है लेकिन एक चीज़ ऐड की हुई है इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो उसमें आपको टेकोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों प्रोवाइड किया मतलब कि थोड़ा लोडेड फीचर लोडेड लगता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसके बाद एक और चीज़ जो अच्छी चीज़ है वो इस गाड़ी में चारों पावर विंडोज़ दिए हैं और उसके साथ साथ जो ड्राइवर साइड वाली जो विंडो है उसमें आपको एंटी पिंच का भी फंक्शन दिया हुआ है सेफ्टी को लेके तो ये चीज़ काफ़ी सही है और एक चीज़ और इसके जो हैड्रेस है फ्रंट वाले वो आपको एडजस्टेबल दिए हुए हैं कंपनी ने मतलब आगे जो ड्राइवर को ड्राइवर वाली सीट है उसमें आपको एड्रेस जो है वो एडजस्टेबल है लेकिन वहाँ पर स्विफ्ट में सब कुछ फिक्स है एकदम बेसिक है तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस हो जाते हैं अब मेन कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि कौन सी गाड़ी आपको लेना चाहिए देखिए डिफरेंस की अगर बात करूँ तो पचास हज़ार का डिफरेंस है पचास हज़ार के डिफरेंस में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं एक्स्ट्रा वो अपन जान लेते हैं सबसे पहली चीज़ ये कि स्विफ्ट से बड़ी है बले नो स्पेस वाइज अगर आप देखेंगे बूट स्पेस देखेंगे तो ओवरऑल स्विफ्ट से बड़ी है नेक्स्ट चीज़ बात करेंगे फीचर्स की तो स्विफ्ट में कुछ भी नहीं है आपको कुछ फीचर्स ही नहीं है अगर आप देखेंगे कहीं ना मतलब अंदर से तो इंटीरियर में तो कुछ भी नहीं है आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार मैं कौन सी गाड़ी में बैठा बैठाऊँ तो वो चीज़ आप थोड़ा सा देखिएगा अगर आप स्विफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो वहीं अगर आप पचास हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं और बलेनों की तरफ जा रहे हैं तो आपको अगर एक्सटीरियर से बात करें तो प्रोजेक्टर हेडल्प्स और फॉगलैम के लिए स्पेस तो आप आफ्टर मार्केट जाके फॉगलैम इंस्टॉल करवा सकते हैं ज़्यादा आपका खर्चा नहीं बैठेगा ये आ गई फ्रंट की बात साइड में व्हील कवर नहीं है व्हील कवर आप ऐड करवा सकते हैं दोनों गाड़ियों में व्हील कवर नहीं है उसके बाद एक चीज़ और बलेनो के जो टायर्स हैं वो फिफ्टीन इंचेस हैं बेसिक मॉडल के भी इंटीरियर में देखें तो चारों पावर विंडोज आती हैं वहाँ पर अगर आप स्विफ्ट की बात करें तो वहाँ पर पावर विंडो आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा तो मेरे हिसाब से अगर आप पचास एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहते हो तो आप बलेनो सिगमा की तरफ जा सकते हो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है बाकी दोनों ही गाड़ी मारती है तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है एट लास्ट जो चीज़ डिपेंड करती है वो आपके ऊपर है कि आपको दोनों गाड़ी में से किसका लुक ज़्यादा अच्छा लगता है और कौन सी गाड़ी आपको बेटर करती है लगती है और आपकी आपके ऊपर कौन सी गाड़ी सूट करती है तो ये एक मेन चीज़ है तो बाकी मेरा जो अगर ओपिनियन आप मानेंगे तो पचास हज़ार एक्स्ट्रा देके बलेनों की तरफ जाइए क्योंकि गाड़ी ओवरऑल बड़ी लगती है और साइज़ में हैवी बड़ी बूट स्पेस ज़्यादा है टायर साइज़ बड़ा है और थोड़े थोड़े जो फीचर्स हैं वो स्विफ्ट अलग से ज़्यादा हैं तो, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग